आर्य समाज ने क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कड़ी कार्यवाही की मांग। जनपद आगरा के थाना मनसुखपुरा में 9 सितंबर को ग्राम कैडी में एक गरीब दलित परिवार पर समाज के कुछ अराजक तत्वों ने रात्रि में लाठी डंडों कुल्हाड़ी अन्य धारदार हथियारों से परिवार के सदस्य के लोगों पर हमला बोल दिया, जिससे परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इलाका स्वर्ण बाहुल क्षेत्र दलित समाज के कुछ परिवार रहते हैं। घटना के बाद अभी तक पुलिस ने मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जो आए दिन दलित परिवार पर राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। राजीनामा न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दबंगों की धमकी से दलित परिवार के लोग भागकर अपनी रिश्तेदारी में छिपक कर रह रहे हैं। दलितों को घरों से बाहर निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस संबंध में कठोर कार्रवाई न करने तथा गिरफ्तार न करने के कारण पूरे दलित समाज में रोष व्याप्त है। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की गई तो दलित समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने दर्जनों की संख्या में दलित समाज के लोगों के साथ क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि दलित समाज के परिवार की सुरक्षा की मांग की है। क्षेत्राधिकारी सुरेश चंद्र ओमहरे ने दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय सिंह तारव है। पंचायत सदस्य निर्मला तारव, मैं आज आपने इस योजना को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया, क्या है पूरा मामला? ये कैडी में दिनांक 9 तारीख को जो घटना हुई थी, रात में उसके दबंग लोगों द्वारा, ठाकुर जाति के लोगों के द्वारा, ये राजवीर सिंह उनके परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा गया, और मार पीट करने के बावजूद उनकी अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई, तो सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि उनका मेडिकल करा करके और कानून कार्रवाई करेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो राजवीर सिंह का परिवार है ये भयभूत है, परेशान है बेचारे, इधर उधर भटक रहे हैं, इनकी फसल बर्बाद हो रही है, तो वो स्वतंत्र तरीके से अपने घर पर रह सके। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर जयप्रकाश, सदस्य जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 4। आज आपने सीओ कनाड को ज्ञापन सौंपा है, किस मामले को लेकर सौंपा है और क्या मांग रखी है? ये घटना 9 तारीख को कैडी सुखमान के पुरा ग्राम पंचायत में हुई थी। उस घटना में करीब महिला और कई पुरुषों को चोटें आई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना मनसुखपुरा में हुई, मगर उनकी तुरंत गिरफ्तारी के लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने चर्चा की है, और सीओ साहब को यह भी अवगत कराया है कि ये लोग बेचारे भयभीत हैं, तो इनकी सुरक्षा की जाए और सुरक्षा के हिसाब से पुलिस वहां गश्त भी करे, जिससे आगे की घटना में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। सीओ कनाड द्वारा आपको कोई कार्रवाई का आश्वासन दिलाया गया है? अभी सीओ साहब ने बताया है कि हमने 3 लोगों के मेडिकल करा दिए हैं, अगर आगे कोई जांच नहीं हुई है तो उसको हम कराएंगे, ये सीओ साहब ने बताया है, और पुलिस भी गश्त करेगी, और बाकी अगर कोई पुलिस के द्वारा किसी तरीके का कार्य नहीं किया जाता है तो इसका निर्णय हम आगे चल के फिर दोबारा से कार्रवाई करेंगे। ठीक।